साथ उम्मीद सोएगा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की हुई पूजा, पंडालों को आकर्षक रूप देने में जुटे कलाकार। शहर में नहीं थम रहा है हत्याओं का दौर, ऑटो चालक की गला रेत कर अपराधियों ने की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। नवेचा में दुर्गा पूजा पर रहेगी चौक चौबंद सुरक्षा, एसपी बोले अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं। और अब समाचार विस्तार से। 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि का हर दिन माता रानी के अलग स्वरूप को समर्पित माना जाता है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान है। वही दुर्गा पूजा को लेकर भागलपुर के लोगों में उत्साह का माहौल है। शहर के विभिन्न स्थानों पर पूजा पंडालों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। इधर नवेच्छा का ऐतिहासिक तेतरी दुर्गा मंदिर उत्तर भारत का शक्ति पीठ माना जाता है। यह मंदिर 423 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ दूर दूर से भक्त दरबार में आकर सर झुकाते हैं और मन्नत पूरा होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। वही कमेटी के सदस्यों ने कहा कि अलग अलग राज्यों से भक्त यहाँ सालों भर पूजा करने आते हैं। आज से 400 साल पहले यह मूर्ति जो था काजी कोरैया में अवस्थित था, वहाँ जब विसर्जन हुआ तो समूचा मेर भस के चलाया तेतरी के नज़दीक। वहाँ से समूचा गांव का लोग एक सप्ताह तक दौड़ते रहा, मेर चस से मस नहीं हुआ। तब तेतरी गांव के लोगों को स्वप्न दिए माता कि तुम उठाओगे, पांचों आदमी जाओगे तो हम उठ जाएंगे और यहीं रहेंगे। तो यहीं से लोग गया, यहाँ आया। आज भी वहीं काजी कोरैये वाले के नाम से पूजा होता है। भागलपुर में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। लगातार हत्याओं का दौर जारी है। सरेआम गोलीबारी, हत्या, अपहरण, छिनतई जैसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला सबौर थाना क्षेत्र के धनकर गांव स्थित का है, जहां सुनसान बगीचे में लूट के दौरान एक टोटो चालक की अपराधियों ने गला रेत कर निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सबौर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह दलबल के साथ पहुंचे और जांच में जुट गए। वही मृतक टोटो चालक की पहचान ताताकू थाना क्षेत्र के गोला घाट के गोरैया टोला निवासी कृष्ण मोहन सिंह के 32 वर्षीय पुत्र सहदेव कुमार सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाबत परिजनों ने बताया कि मृतक युवक देव कुमार करीब 3 साल से टोटो चलाने का काम करता था और रोजाना की तरह सोमवार को भी टोटो चलाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रात के करीब 11 बजे उसका मोबाइल ऑफ हो गया। जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन सहदेव का कुछ अता पता नहीं चला। जिसके बाद मंगलवार की सुबह बगीचे में शव मिला। वही मृतक के टोटो गायब होने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जी, जाम का कारण जो है वो एक हत्या जो हुई है वो थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसमें बॉडी मिली थी, इसमें इनका बेरहमी से हत्या किया गया था। उसको लेके ही परिजन जो थे काफ़ी शोक थे, उन्होंने अपनी डिमांड भी रखी है। तो बोला है तो मम्मी ने आश्वासन दिया कि तुरंत हम इस पर कार्रवाई करने के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है, तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और उसमें सिविल प्रशासन के साथ मिलकर जो भी मुआवजा प्रस्ताव है वो दिया जाए। सर तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई सर, जल्द ही गिरफ्तारी। सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने को लेकर कई दिशा निर्देश जारी की। एसपी ने कहा कि शहर के हर चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी, साथ ही विभिन्न पूजा पंडालों की पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। पंडाल सूती कपड़े से निर्मित हो, पंडाल के पास बालू और पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो ताकि आगलगी की स्थिति में फौरी तौर पर रोकथाम किया जा सके, जैसी बातों का विशेष ख्याल रखने की बात एसपी ने कही। जबकि मंदिर और पंडालों में महिला पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा मेले और मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सख्त निर्देश एसपी ने दिया, जिससे छिनतई और पॉकेटमारी जैसी घटना पर नजर रखी जा सके। आप लोगों को दे दी गई है, उसके पहले भी बरामदगी हुई थी, जानकारी सब दे दी गई है। आज का उपलब्धि में इतना कह सकता हूँ कि हम लोग कल दुर्गा पूजा और नवछा टाउन में चुनाव की तैयारी में देखते हुए सभी थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, डीएसपी मुख्यालय के साथ मीटिंग भी किया और मीटिंग में जो समीक्षा की गई कि दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए, क्योंकि विगत दो साल से कोरोना था
तो कोरोना के बाद ये पहली दुर्गा पूजा हो रही है, तो लोगों में उत्साह का माहौल काफ़ी देखा जा रहा है। उसके आलोक में प्रशासनिक स्तर से भी उसी उत्साह से, दुगुने उत्साह से व्यवस्था करनी होगी। भागलपुर जिला इकाई SC/ST कर्मचारी संघ के कार्यकारिणी का पुनर्गठन रविवार को बरारी स्थित अंबेडकर भवन सभागार में हुआ। बैठक की अध्यक्षता तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रॉक्टर एवं PG अंबेडकर विचार विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विलक्षण रविदास ने की। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भागलपुर जिला इकाई कार्यकारिणी का पुनर्गठन प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भागलपुर जिला के प्रभारी पदाधिकारी इंजीनियर तारिणी दास परिवेक्षण में किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से राज्य कर अपर आयुक्त वीरेंद्र कुमार को जिला अध्यक्ष जबकि भागलपुर यूको बैंक आंचलिक कार्यालय के सहायक प्रबंधक योगेश कुमार, जिला दूरभाष अभियंता इंजीनियर सुशील कुमार, जिला संसाधन केंद्र की नर्सिंग सुपरवाइजर संध्या कुमारी को उपाध्यक्ष चुना गया। जिला सचिव के पद पर LIC के प्रशासनिक अधिकारी रामचंद्र लाल मरांडी और कोषाध्यक्ष के पद पर नेशनल इंश्योरेंस के उदय शंकर चौधरी को सर्वसम्मति से चुना गया। वहीं संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी KMV लॉ कॉलेज के सहायक प्राध्यापक संजय कुमार संजय के अलावा ब्रह्मदेव दास सुभाष रजक और पल्टन हेब्रम को दी गयी। कार्यकारिणी पुनर्गठन में प्रचार सचिव सत्यनारायण दास रमेश पासवान राजेश हेम्ब्रम और तनुजा को चुना गया। बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से करीब 90 कर्मी और पदाधिकारी उपस्थित हुए। कार्यक्रम के पश्चात नई कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा सभा स्थल की समीप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस दौरान अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत ब्रह्मपुर दुर्गा मंदिर 350 वर्ष पुराना है। इससे सिद्धिपीठ मणिद्वीप के नाम से जाना जाता है। मंदिर पूजा कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक ने बताया कि जिस तरह भगवान श्री राम का निवास स्थान साकेत है, श्री कृष्ण का गोलोक और भगवान शंकर का कैलाश है, उसी प्रकार दुर्गा मैया का निवास स्थान मणिद्वीप में है। कहा जाता है कि ब्रह्मपुर दुर्गा मंदिर में माँ अपने सहकर्मियों के साथ निरंतर निवास करती हैं, इसलिए ब्रह्मपुर दुर्गा मंदिर साक्षात मणिद्वीप है। वही अमरपुर दुर्गा मंदिर में सभी ब्राह्मण शास्त्रीय नवरात्र में मंदिर प्रांगण में बैठकर दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं। वही दुर्गा मंदिर में तांत्रिक पद्धति से नवरात्र की पूजा होती है। निशा पूजा के दिन देवी की प्राण प्रतिष्ठा होती है और नवमी को 1200 बलि दी जाती है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों के श्रद्धालु आकर मन्नत मांगते हैं, साथ ही मनोकामना पूरी होने पर बलि देते हैं। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के बड़ी खंजरपुर स्थित अभिनव एंक्लेव अपार्टमेंट के कैंपस से अपनी बाइक पर शिपमेंट के थैले को रखकर डिलीवरी देने गए डिलीवरी बॉय के सामानों की चोरी कर ली गई थी, जिसको लेकर पीड़ित ने बरारी थाना में मामला दर्ज कराया। पीड़ित द्वारा दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। वही तकनीकी जांच और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस ने 12 घंटे के भीतर ही कांड का उद्भेदन कर लिया, जिसकी जानकारी सिटी SP शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। सिटी SP ने बताया कि घटना में शामिल दो शातिर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चोरी किए गए सामानों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साढ़े सिटी SP ने बताया कि डिलीवरी बॉय के चोरी हुए लाखों रुपए के सामान की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जहां जांच के क्रम में दो अभियुक्त बैजानी फुलवरिया निवासी विनय कुमार मिश्रा के पुत्र सौरभ कुमार और भीगरपुर गुमटी नंबर 2 निवासी प्रदीप कुमार मिश्र के पुत्र कुमार आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आशुतोष और सौरभ दोनों के घर की जब तलाशी ली गई, तभी घर से पैकिंग रैपर समेत कई सामान बरामद हुआ। दिनांक 25/9 को बरारी थाना क्षेत्र में अभिनव इंक्लेव अपार्टमेंट के कैंपस में एक फ्लिपकार्ट शिपमेंट के डिलीवरी बॉय हैं, जिन्होंने डिलीवरी देने के लिए फ्लैट के अंदर प्रवेश करने के बाद जब वो डिलीवरी देने के जा रहे थे, तो दो अपराध कर्मी जो थे उन्होंने इनसे पूरी सामग्री जिसमें 4 फोन भी बरामद हुए हैं, उसमें 2 iPhone भी बरामद हुए हैं, वो इनसे छीन लिया और छीन के भाग गए। इसके बाद तुरंत एक नेतृत्व SHO बरारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और तुरंत छापामारी किया गया, जिसके बाद सभी CCTV फुटेज को खंगाला गया। उसके बाद में 2 अपराधकर्मी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें कि एक का नाम है सौरभ कुमार जो कि बाईपास का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है आशुतोष कुमार
जो कि इशाकचक बिकनपुर का रहने वाला है। इनके पास से बरामद जो सामग्री है उसमें चार फोन बरामद हुए, इसमें 2 आईफोन हैं। उसके अलावा अन्य सामग्री में कुछ कपड़े भी हैं और भी अन्य वस्तु जो इन्होंने चोरी की थी। इसमें दोनों का आपराधिक इतिहास खंगाला गया है, लेकिन एक बार इन्होंने पहले भी इन्होंने चोरी की थी फ्लिपकार्ट के दुकान में ही, लेकिन तब इनकी कोई केस नहीं हुआ था जिसकी वजह से अपराध नहीं दर्ज हो पाया था। दुर्गा पूजा के अवसर पर शहर में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। पूजा पंडाल के आसपास कूड़े कचरे का ढेर लगा है, जिसको लेकर दुर्गा पूजा महासमिति की ओर से मंगलवार को घंटाघर चौक के समीप धरना दिया गया। पूजा समिति के आनंद मिश्रा ने कहा कि जिले के वरीय अधिकारियों को पत्र देकर बेहतर साफ सफाई के लिए ध्यान आकृष्ट कराया गया था, इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। बैठे हम लोग किसी चीज को लेकर धरना पर नहीं बैठे। भागलपुर में नगर निगम के अकर्मण्यता के खिलाफ जो पूजा महासमितियों में और समितियों में जो आक्रोश है उसको व्यक्त करने के लिए दुर्गा पूजा महासमिति के अध्यक्ष विनय कुमार सिन्हा जी, महामंत्री पवन कुमार शाह जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज एक उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि शहर में जो पूजा पंडाल और अन्य वार्डों में जो पहुंच पथ है उसको सफाई कराना और ससमय सफाई कराना। अनुमंडल पदाधिकारी जी के यहाँ जो बैठक हुई थी हम लोगों ने श्रीमान का ध्यान आकृष्ट किया था 24 तारीख को, और उनसे अनुरोध किया था कि जो पहली पूजा के पहले तक सारे शहर की सफाई करा ली जाए, लेकिन आज तक वो कूड़ा का अंबार लगा हुआ है जिसके कई फोटो हमारे पास हैं और ये फोटो आप देख सकते हैं। और हम लोगों ने जो आज स्मारक पत्र बनाया है वो भी है, इसको देने के लिए महामंत्री और जा रहे हैं। ये 24 तारीख को जो हमारी बैठक हुई थी उसमें हमने दिया SDO को, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। और ये प्रशासन इस पूजा को मजाक ना बनाए, मेरा अपील है उनसे अनुरोध है कि ये इनको साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार को LLM कोटा सीट पर धांधली को लेकर छात्र नेता ओम कुमार के नेतृत्व में NCC, NSS और स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों ने जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान आंदोलनकारी ने विश्वविद्यालय के अंदर प्रवेश कर हाथों में तख्तियां लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की, जबकि कुलपति के आने पर उन्हें छात्रों द्वारा घेर कर LLM के कोटा सीट के संबंधित विषयों पर अवगत कराया गया। साथ ही VC के आश्वासन एवं संबंधित विषय पर कमेटी निर्माण पर सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलनकारी छात्र शांत हुए। वहीं विश्वविद्यालय छात्र नेता ओम कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के नामांकन प्रक्रिया में कोटा सीट पर NCC, NSS, स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब मैं यह आपको बता देना चाहता हूँ, आज का जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है विश्वविद्यालय में, ये उस कोटा सीट के लिए किया जा रहा है जिसमें हमने पूर्व में भी आंदोलनरत थे। हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय इस कोटा सीट पर संज्ञान ले, चूंकि उस शिक्षा निदेशक का पत्र आ गया। अगर आप कुलाधिपति का पत्र पर संज्ञान नहीं लेंगे, उस शिक्षा निदेशक के पत्र पर संज्ञान नहीं लेंगे, तो उनके पत्र की गरिमा पर सवाल उठेगा, ठीक है। चूंकि विश्वविद्यालय चाहते कि यह सीट पेंडिंग चला जाए, लेकिन हम NCC, NSS, स्पोर्ट के छात्रों के साथ सम्मान में खड़े रहेंगे। ये सभी जो NCC, NSS के छात्र आए हैं अपने अधिकार के लिए, ताकि उनको आने वाले समय में सम्मान दिया जाए विश्वविद्यालय में। खाली विश्वविद्यालय कार्यक्रम कराना चाहती है, कार्यक्रम इसलिए कराना चाहती है कि हमारा विश्वविद्यालय में एक रेपुटेशन बना रहे, लेकिन वो उस रेपुटेशन का क्या अचार बनाएगा विश्वविद्यालय, जब उनके जो कार्य किला का छात्र करते हैं उनको फायदा पहुंचाती नहीं है विश्वविद्यालय। इसलिए हम विश्वविद्यालय से मांग है कि इस विषय पर वो संज्ञान ले, और विभाग अध्यक्ष नामांकन लेने के कोटा सीट पर नामांकन लेने के साथ विभाग अध्यक्ष पर कार्रवाई की अनुशंसा की।